खबर आ रही है गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव के काकरिया मोड़ा गांव से, जहां जिस्म फरोशी की आरोपी महिला की गांव में रहने की खबर मिल जाने पर पूरे गांव वालों ने हंगामा मचा दिया और उस महिला के घर के सामने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर मारपीट पर भी उतारू हो गए। परंतु पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर थाना प्रभारी जे ढाबी साहब अपनी टीम के साथ पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और आरोपी महिला को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके परिवार को हम लोग यहां नहीं रहने देंगे क्योंकि यहां का माहौल गंदा होगा। आइए देखते हैं क्या कहा गांव वालों ने और आरोपी महिला ने। कैमरामैन राजकुमार के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा जी की खास रिपोर्ट। तो आप लोग क्या चाहते हो, मतलब कि इनको यहां से जो है हटा दिया जाए? हटा दिया जाए ना, हम लोग का गांव हमारी भी बात हो जाता है। अच्छा, पेपर में यहां का गरिया मोड़ा गांव का नाम आया है और ये गलत, मतलब इसमें इन लोगों का ये है, आप लोगों का ये कहना है, पेपर में आया है, आप लोग मोबाइल में भी देखे हो? मोबाइल में भी देखा, पढ़ा हम लोग ने खुद। इनका नाम आया है कहाँ? वापी में। वापी टाउन। अच्छा अच्छा, पहले से भी कुछ पता है आप लोगों के, इन लोगों के बारे में? पता है हम लोग के, लेकिन हम लोग को प्रूफ नहीं मिलता, सबूत नहीं मिलता, इसके लिए हम लोग चुप रहे। सबूत मिला तो हम लोग क्यों नहीं बोलेगा? अच्छा, इनका कहना यह है कि हम उस पेपर के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे अभी जाके। हमारे नाम को गलत बदनाम किया है, हम वैसे नहीं है, ऐसा आप लोगों को क्या लगता है? वो झूठ बोल रही है। अच्छा अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं ना, वो गलत है। तो ठीक है, आप लोगों का कहना यह है कि भाई यहाँ से ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाए, कहीं भी चले जाए, मतलब हमारा नाम खराब हो रहा है यहाँ पे रहने से। तीन बार हम लोग को माफ किया, गांव का नाम खराब कर, लेकिन घर तो इनका खुद का है बता रही है। गलत है, प्रतिष्ठा का सवाल है, मतलब इज्जत खराब होता है किसी का भी, अगल बगल में रहने वाला आदमी का नाम गलत इल्जाम लग जाए तो किसी की बेइज्जती होती है। तो आप लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं और ये लोग गलत धंधे में मतलब लगे हुए हैं, ऐसा आप लोगों को प्रूफ मिल गया है? मिल गया। इसके लिए आप लोग नाराज हो? ठीक है, आप लोग हंगामा मत करो, पुलिस आ रही है अभी, हमने पुलिस को खबर किया, उनको बुलाओ, फोन करो, तुम ही बुलाओ पुलिस और तुम ही दलील दो पुलिस को कि पेपर में गलत छपा हुआ है, हम वैसे नहीं है। इसके बावजूद भी गांव वाले का कहना यह है कि आप हो या नहीं हो, यहां से रूम खाली करके बेच के आप यहां से चले जाओ, आप लोगों की वजह से गाँव बदनाम हो रहा है, यही ना? ठीक, ओके सर। निमिषा, हस्बैंड आपके कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में रहते हैं। तो यहाँ आते नहीं अभी? आते हैं ना अभी, हम लोग में वो हस्बैंड क्या बोले, अभी 8 दिन लोग वापस कोर्ट को लगना था, रेडे कर रहे हैं घर पे आकर, इतना भी बात। आप एक काम करो, अगर आपको ऐसा है कि आपको बुलाया जा रहा है, आप यहाँ नहीं थे, पुलिस कंप्लेंट करो। तो वही मैं क्या बोलूँ इससे, आपको क्या, आपको मेरे का मतलब है पब्लिक बोलो जाओ, जिसको पुलिस कंप्लेंट आपको करके वापस दिगेश को देना। हाँ, दिगेश को देना, उनको बोलो जाओ मैं अभी पुलिस कंप्लेंट करके ये वो पर्ची लाके जिसके हाथ में देना उसके हाथ में देना। ठीक ठीक है, ओके, बात हो गई। पुलिस कंप्लेंट आपको करना है कि भाई वहां मैं नहीं थी, पेपर वाले ने गलत छापा। मैं अभी जाती हूँ खुद, मैं इनके दिगेश भाई को हाथ में लाके देती हूँ। उसके बाद निर्णय लेंगे। भगवान का दिगेश भाई को बोली मुझे बेचने का है, अभी पिंकी को भी बुलाई, वो जो इसका जिसका रूम लिया था उसको भी बुलाई, मिली मुझे बेचने का है तो जरा गिरा दो। वो क्या बोली, रुक मेरा पूरा प्रॉपर्टी बेचना, मैं साथ में बेच दूँ, आखिरी भी बात थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है भाई? नारायण। नारायण नारायण, क्या हंगामा है, मतलब क्यों ऐसे? ये हंगामा मतलब की औरत जो है ये झूठ बोल रही है, मतलब की अच्छा बहुत झूठ बोल रही है। यहाँ हम भी आंखों से देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आती है, कितने बजे आती है, कितने बजे नहीं आती है, मतलब कि रात को 2 बजे 2:30 बजे ऐसे आती है। पहले से ही आप लोगों को डाउट था? डाउट था, मतलब कि लेकिन हमने मतलब किसी को मतलब ये नहीं किया, आदमी लोग मतलब किसी को बातचीत ऐसा किया नहीं, मतलब चल होएगा कोई रिश्तेदार आता हो जाता होएगा इनका, लेकिन ये भी कोई टाइम होता है मतलब कि आने का, दिन भी होता है, मतलब कि दिन में भी आ सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई से आना, बीच में ये लोग आए थे, मतलब हम भी आए थे उस टाइम, रात को क्या आने का, मतलब 2:30 बजे आ गए थे स्कूटी से। हाँ, रात को 2:30 बजे 3 बजे आने का कोई टाइम है? और इनका घर वाले का मतलब कहना है कि वो अभी फोन लगाया था मैंने अपने घर वाले को, तो घर वाला बोलते हैं मतलब कि 1 साल से मैं आया नहीं, और ये औरत बोल रही है कि मेरा घर वाला 3-4 बार आके गया है यहाँ पे इस घर पे। अच्छा, ऐसा बोल रही है, मतलब आदमी के साथ भी तालमेल इन लोगों का शायद नहीं लगा। और आदमी भी ऐसा आते हैं मतलब कि बदल बदल के लेके आती है ये औरत। ओहो, हाँ कई बार देखा है हमने।
आज तो मतलब प्रमाण भी पेपर में भी आ गया। हाँ गया, तो सब न्यूज मिल गया। हाँ न्यूज मिल गया, ये भी मतलब व्हाट्सएप पे मोबाइल पे आ गई है ना। हाँ हाँ हाँ, बस आप लोगों का कहना क्या है? कहना अभी इसके ऊपर क्या एक्शन करना चाहिए? एक्शन क्या करना है, इस औरत को बस यहाँ चाहिए नहीं गमा हमारे गांव में, और हमारे गांव बदनामी हो, बदनामी होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों का बिल्कुल कहना सही है। हाँ, एक औरत की वजह से पूरा पूरा गांव बदनाम हो, ये कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल आप लोगों का डिमांड सही है। मतलब की बहु बेटियां है, अभी बड़ी लड़कियां भी हो रही है। नहीं नहीं, देखिए कहीं भी रेसिडेंस एरिया में अगर इस प्रकार के लोग रहते हैं तो वहाँ के लोगों को तकलीफ लाजमी है, होना भी चाहिए। और ये लोग जैसे हैं अपने जगह पे बिल्कुल सही है। अगर इनका दिनचर्या और इनका जो करेक्टर है अगर वैसा ही है 100%, तो इनको यहाँ रहने देना तो खैर इन लोगों को तो नहीं चाहिए। ये लोग भी चाहेंगे कि भाई अपना अगर यही करना है तो आप कहीं दूसरे जगह चले। इंसान सभी सोचे हैं भाई रहने दे, लेकिन ये मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग शांति बनाए रखें। पुलिस आ रही है, पुलिस कंप्लेन कर दिया जाएगा कि इनका ये दिनचर्या है और इनके वजह से हमारा पूरा मोहल्ला बदनाम हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का काम उचित नहीं है, गलत काम करते हैं, जैसा कि पेपर में प्रूफ भी हो गया। अभी तक हम लोगों को ये प्रमाण नहीं मिला था कि ये लोग गलत हैं, लेकिन आज चारों तरफ मालूम चल गया पेपर से, मोबाइल से, इधर उधर से कि ये लोग गलत धंधे में हैं और वापी में ये लोग पकड़े गए हैं। पुलिस के पास इन लोगों के पास पुलिस पकड़ी है इन लोगों को और पेपर में छपा है, ये जान करके ये लोग हंगामा खड़ा किए हैं और इन लोगों का नाराज होना बिल्कुल सही है। तो अभी पुलिस आ रही है, उसके बाद जो भी होगा इन लोगों को यहाँ से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये माहौल गंदा हो ये कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है ना, कैमरामैन राजकुमार के साथ उमर गांव से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।